नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। बीते दिनों फर्स्ट बाइट पर एक खबर चली, गेझा में विवादित जमीन को लेकर जो भी मामला चल रहा था, खसरा नंबर 430 और 493 इसमें शामिल थे। पूरी खबर के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, लेकिन यहां पर मामला ये है कि दूसरा पक्ष जिस पर भू माफिया होने का आरोप लगा था, वो सभी आज हमारे साथ मौजूद हैं। जब पहले फर्स्ट बाइट ने उनसे अप्रोच किया, अपना पक्ष रखने के लिए कहा, तो वो उस वक्त नहीं आ पाए, लेकिन आज जिंदल परिवार के कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक करके उनसे जानेंगे उनका पक्ष की क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे मामले को लेकर। आपका नाम क्या है? जी श्याम गुप्ता है जी। बताइए श्याम जिंदल जी, आप पर जो भी भू माफिया का आरोप है या खसरा संख्या 493 का जो मामला चल रहा है, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? माफिया का जो आरोप है वो तो निराधार है, बिल्कुल गलत है। हम लोग एक एक दो दो बीघे जमीन वाले लोग हैं। भूमाफिया तो सैकड़ों बीघे उम्र 50-50-100 बीघे में होता है, और 493 में तो अब से सैकड़ों सालों से हमारे बाप दादा की आबादी रही है। 430 में जहां वो दर्ज है वो ना हमारा कोई रोल रहा है। कृषि विभाग, तहसील प्रशासन, इन लोगों ने वहाँ नपाई करके उसको चिन्हित किया है। हम लोगों का कोई दूर से दूर तक इसमें कोई सरोकार नहीं है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वे बेबुनियाद लगा रहे हैं, निराधार लगा रहे हैं। मतलब मेरी कोई जाति दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन जो मामले की तह तक जाया जाए, जाँच की जाए, तो उसमें तथ्य यही सामने आते हैं कि ये हमारा ना कोई रोल था, और जो जहाँ है वो तहसील प्रशासन और कृषि विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा एक तरह से चिन्हित किया गया है। और गाँव में बनना चाहिए, आसपास के सभी लोग ये चाहते हैं कि वहाँ बीज गोदाम बनना चाहिए। कम से कम हजारों की संख्या में किसानों को इसका लाभ होने वाला, एक मल्टी पर्पज कल्याण केंद्र का जो निर्माण किया जा रहा, हम लोग भी खुद उसमें ये शामिल रहेंगे कि लाभान्वित हम खुद भी होंगे और कई सौ लोग और जो कृषक हैं वो भी सब आसपास के लोग जो है उससे लाभान्वित किए जाएंगे। क्या नाम है आपका? ललित जिंदल। बताइए, 400 हमारी याद में 430 में बीज गोदाम चढ़ा हुआ है। हमारा कोई भूमावे में हमारा कोई वो नहीं, हम तो पारिवारिक, हमारा तो गांव में एरिया में किसी से मालूम कर लो, सज्जन परिवार हमारा, हमारे बाप दादाओं का पूरे क्षेत्र में नाम है। कोई भी गरीब व्यक्ति चले जाओ उसके लिए हम तत्पर रात को भी हाजिर हैं काम करने के लिए। ये निराधार हमारे पे भूमाफिया का जो लोगों ने वो लगाया है, लेकिन उन लोगों ने पूरा डीएम को जो एप्लीकेशन लिखा है, चीज़ें लिखी हैं, उसमें आप लोगों के नाम आ रहे हैं, तो इस पर आपने कोई कार्रवाई करनी नहीं चाहिए कि आप लोगों के नाम इसमें घसीटे जाए? इसमें हम उनके ऊपर माननीय का मुकदमा ठोकेंगे जिन्होंने हमारा नाम लिया है। मेरा नाम सुबोध कुमार जिंदल है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने अभी एक वीडियो यूट्यूब पर देखी तो मुझे बड़ा एकदम सदमा सा लगा कि एकदम से उसमें मुझे भूमाफिया बताया गया, जबकि मैं करीब 20-25 वर्षों से मेरठ में रह रहा हूँ, मेरा अपना स्कूल का काम है। और जिस जगह की बात हो रही है, मेरी अपनी याद में तो हमने जो अपना बचपन वहीं पर बिताया है, तो मेरे ताऊ जी, पापा सब, मतलब बाबा सब जो है वहीं पर ही 100-150 साल से वहीं पर उसी जगह पर रह रहे थे। और यदि कोई ज़मीन में कोई दिक्कत है प्रशासन को किसी को, तो वो तहसील प्रशासन का काम है कि वो अपना करें, और हम लोगों का इसमें कोई ऐसा इन्वॉल्व नहीं है कि हम लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। और जो इन्वॉल्व करने वाले लोग हैं वे खुद ही बहुत बड़े शराब तस्कर और सारे, मतलब नकली खाद बेचना, नकली डीजल बेचना, सारे काम वो करते हैं। ये जयप्रकाश, अनिल कुमार सब नंबर दो के काम करते हैं, और इन्हें शक ये है कि भाई हम लोग जो है इनको, हमने पीछे जेल भी गए हैं, तो इन्हें ये लगता है कि भाई हमने इन्हें पकड़वाया, जबकि हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। और इसी रंजिश में चलते हुए ये जो है हमको इस तरह की हमारी जो बदनामी करा रहा है, और मैं आज अपने वकील के पास जा रहा हूँ और वकील से सलाह मशवरा करके इन पर मानहानि का मुकदमा, जिससे कि मेरी बहुत ज़्यादा हुई है, वो मैं इन पर ठोकूँगा, और जो इन्होंने गलत कृत किया है इसका इन्हें निश्चित ही दंड मिलना चाहिए, और कानूनी रूप से मैं सारी प्रक्रिया पूरी करूँगा। आपका भी नाम इस मसले में आया है, इन लोगों ने जो भी आरोप लगाए हैं, आप इस पर क्या सफाई देना चाहते? मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी कि मैं छोटा दुकानदार हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे, मेरे पास कोई एक हिस्सा ज़मीन भी नहीं। दूसरी बात, जो आरोप लगाने वाले हैं इनसे बड़ा तस्कर, शराब माफिया, नकली डीजल, नकली डाई, और आप एरिया में जाकर अगर तहकीकात करोगे तो इनसे बड़ा फ्रॉड। ये ढाणे में कोल्लू चलाया, वहाँ से सारा कोल्लू उल्लू पहाड़ किसानों के पैसे मार के आगे जयप्रकाश ने, अनिल ने मिल बाटे खा लिए, और जयप्रकाश इनका संरक्षण है, यही जमानत कराता है इनकी। जितने भी मंगतपुरम में चोर डकैत उचक्के चोरी का माल, एसी ले लो इनसे, इनसे जो है शराब ले लो, इनसे साइकिल ले लो, सिलेंडर ले लो, कुछ सामान मांग करो भाई उपलब्ध कराते हैं ये, और सब जयप्रकाश के थ्रू बिकता है, यही इन्हें जमानती उपलब्ध कराता है। गाजियाबाद में हम छुटक रहे थे, पहले एक बार पुलिस ठाकर ले गई थी इन्हें जमानत में, कई चोरों के हैं जमानती, और हम तो बहुत सज्जन परिवार है हमारा। रही हथियार, हमारे भाई का मर्डर हुआ, प्रशासन ने हमें 3-4 हथियार दिए अपनी सेफ्टी के लिए, आज तक हमने चलाए भी नहीं, वे ना हमें जरूरत पड़ती, ना कोई मुकदमा हमारे खिलाफ थाने में कहीं भी पूछ लो, तो ये तो इस, हाँ,
इस मामले में देखिए, जिन लोगों ने आरोप लगाया, आपने बताया कि शायद वो आप ही के परिवार वाले थे या जानने वाले, तो इसमें ये बताइए जो स्कूल टीचर हैं, प्रिंसिपल भी इसमें बोल रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखियो, स्कूल टीचर तो उन्हें पढ़ा के लाए हैं स्कूल टीचरों को, तो जबकि ये जो हरिंदर है ये स्कूल का माल खरा सारा, ये टीचर नहीं है वहाँ, ये तो कैजुअल लग रहा है। इसका पिताजी जो था वो था इसमें मेंबर, इन्होंने स्कूल लूटे खाली, इतने मेंबर थे ये हमारे गाँव के स्कूल, अब जो है मैं वहाँ वो नहीं है मैनेजमेंट, सब का पाठ कर दिया इन्होंने। ये सरकारी टीचर की मांग नहीं करते, अपने आप पढ़ाते हैं, जितनी एड आती है बिल बाटे खा लें इन सब, ये सब एक ग्रुप है हमारे खिलाफ, जबकि हमारा कोई लेना देना इसमें नहीं है, हमारी पुरखों की जमीन है और प्रशासन चाहे तो ले ले, हमने मना नहीं करी, जाँच करो ले लो, हमारी तो आबादी है वहाँ 150 साल से 200 साल, जब तो वहाँ रोड भी नहीं थी, बस आबादी सड़क पर जब से हम रह रहे हैं वहाँ। तो अब आप क्या चाहते हैं इस तरीके के आरोप उन्होंने? वो हमारा जो हमें क्षति मतलब मानहानि हुई है हमारी, हमारे बच्चे परेशान हैं, मैं परेशान हूँ, रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, इसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? ये तो नीच हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है, ये तो बिल्कुल जलील है किस्म के, ना शर्म है ना लिहाज है, लेकिन हम इज्जतदार आदमी हैं, हम इनके खिलाफ मानहानि केस करेंगे। मेरा नाम अरुण जिंदल है जी, मेरे पिताजी का नाम सुभाष जिंदल है, जिनके खिलाफ इन्होंने जो है भू माफिया और मतलब और भी बहुत सारे बताए हैं इन्होंने वीडियो में कि भी और भी इन पर केस चल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पैतृक वहाँ से रहते हुए आ रहे हैं, करीब करीब 100 साल से हमारे बाबा जी, दादाजी, पिताजी सब लोग वहाँ रहे हैं, हमने वहाँ पर ख़रीदारी नहीं की बल्कि वहाँ पर ज़मीन बेची है। जब हमारे चाचा जी बीमार हुए, उनकी बीमारी में हम पर कर्जा हुआ तो हमने वो ज़मीन बेची, और ऐसी जो इन्होंने आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है भूमाफिया से। और जो ये कह रहे हैं कि 493 जो है वो बीज गोदाम की ज़मीन थी, अगर वो बीज गोदाम की होती तो उसे प्रशासन उसे स्थानांतरित क्यों करता? वहाँ पे हमारी पुरानी आबादी को देखते हुए चकबंदी वालों ने भी ये गलती स्वीकार की कि यहाँ पे बीज गोदाम नहीं बन सकता, यहाँ पे जो है पुरानी आबादी है, सागरमल मेरे बाबा जी का नाम था, हृदय प्रकाश मेरे छोटे बाबा जी हैं, दोनों की वहाँ पर पुरानी आबादी है, आज भी आबादी है, पहले भी आबादी थी। तो उन्होंने गलती स्वीकारते हुए जो 430 खसरा नंबर है वो ऊसर में था, सारा का सारा खाली था, तो उसमें उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, प्रशासन ने किया, शासन प्रशासन ने, हमने उसमें कोई रोल अदा नहीं किया, हमने तो केवल अपनी बसावट वहाँ पर दर्ज कराई। और जो ये अनिल कुमार है, जयप्रकाश है, और भी जो प्रिंसिपल साहब हैं, प्रिंसिपल साहब को तो पता ही नहीं यहाँ का, प्रिंसिपल साहब को तो जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया। दूसरी बात, जो वहाँ पर स्कूल है वो कागजों में दर्ज नहीं है, वो फर्जी तरीके से इन्होंने गांव में खुद अपने आप गुटबंदी से बनाया और खुद ही उसमें टीचर बने हुए हैं, उसे लूट के खा रहे हैं। जो जयप्रकाश है, वो रमेश प्रधान, अनिल कुमार, अन्य जो भी 11 नवंबर को घटना हुई थी यहाँ पे मंगतपुरम में, उसमें इन्होंने गोलियाँ चलाई। जयप्रकाश जो है वो इनका संरक्षक है, वो इनका जमानती है, वो इनको मतलब जो है जो भी जमानती बनते हैं उन्हें प्रोवाइड करता है, जो भी चोरी की साइकिल, टीवी, जो भी बेचता है वो जयप्रकाश बेचता है, उसमें वो भी लाभ लेता है और अनिल कुमार भी लेता है, और ये सब लोग हैं, ये सब लोग नीच प्रवृत्ति के हैं, SPCT पे गोली चला रखी है इन्होंने, आपराधिक ये मामलों में दर्ज हैं, ये कई आपराधिक मामलों में दर्ज हैं, हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है। ये तो लोग हमसे बिना वजह जो है जेलसी रखते हैं, हमसे प्रतिद्वंदिता रखते हैं, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जो भी शासन प्रशासन की जहाँ भी ज़मीन हो हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर वो हमें ये कहते हैं कि आप यहाँ से बेघर हो जाओ, हम तो ये कोठड़े जो हमारे कमरे हैं उन्हें तोड़ के हम आपको बाहर फेंकेंगे और यहाँ बीज गोदाम बनाएंगे, तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं। और जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट बाइट हमेशा निष्पक्ष पत्रकारिता में बिलीव करता है, तो यहाँ पर हम आपको प्रूफ दिखाएंगे जो दूसरा पक्ष अब हमें दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपसे बोलूंगी कि आप इसमें दिखाएं कि चकबंदी के टाइम पर जो भी हस्तांतरण जो भी हुआ है कि 493 से 430 में प्रशासन ने किया है, तो वो आप एक बार डिफाइन, कैमरा पर्सन से बोलूंगी कि यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा है वो प्लीज यहाँ पर आके दिखाएं। जी, क्या गया है कि खसरा नंबर 493 164 हेक्टेयर बीज गोदाम के लिए चकबंदी क्रियाओं में सुरक्षित किया गया था, जो गलती से गलत सुरक्षित हो गया, क्योंकि इस नंबर में सागरमल हृदय प्रकाश पुत्रगण मनोहर लाल की पुरानी आबादी बनी हुई है, जिसमें धारा 122B के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार से दिया गया नोटिस भी खारिज किया गया था। चूंकि बीज गोदाम किसी ना किसी समय बनेगा, इसलिए स्थल पर खसरा नंबर 430 गया जो रिक्त है, इसमें से 164 हेक्टेयर भूमि बीज गोदाम के लिए सुरक्षित करा ली जाए। ये लिखा हुआ जी SDM साहब ने, SDM मैक्सिंग।
और इसका तबादला किए जाने की संतुति की जाती है। महक सिंह साहब ने ये किया था सन 1995 में 19/12/95 डेट भी है। इस मामले में ये कहा गया कि जी तहसील और कृषि विभाग के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा ये सब कुछ हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो उनसे मिले भी नहीं, ये लोग प्रधान को ले जाके और दो चार और ले जाके इन्होंने वहाँ डीडी एग्रीकल्चर के यहाँ भी धरना दिया। उन्होंने वो तहकीकात की, सारा मामला जांचा, जांचने के बाद में फिर उन्होंने, मैं नहीं जानता कौन थे वो अधिकारी लोग, उन्होंने खुद वहाँ पर जाकर चिन्हित किया और ये लोग भूमाफिया हमें बता रहे हैं। मेरे पिताजी उस दिन से ही बीमार हैं, उन्हें कुछ भी होता है, कुछ भी उन्हें क्षति पहुँचती है तो इसके जिम्मेदार स्वयं अनिल कुमार और राकेश कुमार जी, प्रिंसिपल साहब हरिंदर जी और जयप्रकाश, ये सब इसके जो है जिम्मेदार होंगे। मैं इनके खिलाफ मानहानि का और जो भी मुझसे बनेगा मैं इनके खिलाफ पूर्ण कार्रवाई करूंगा। तो ये था ग्राम गेझा में जमीनी विवाद को लेकर जो भी मसला था और दूसरे पक्ष की सफाई। इस मामले में जो भी आगे की कार्रवाई होगी, जो भी तर्क निकल कर आएंगे वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, कैमरा पर्सन नितिन यादव के साथ प्रेरणा तलवार फर्स्ट बाइट।